बच्चों कैसे हैं आप लोग। हम लोगों ने जीओसी को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट किया, आइसोमेरिज्म को कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपनी रिएक्शन मैकेनिज्म, जिसमें हमारा पहला चैप्टर है हाइड्रोकार्बन। अब बड़े ध्यान से समझिए। सबसे पहले तो देखिए, मैंने आपसे क्या कहा था, जब भी हम ऑर्गेनिक की रिएक्शंस पढ़ेंगे तो जो हमने जीओसी पढ़ी है वो पूरी काम आएगी। ठीक है, तो अगर आपने जीओसी को रिवाइज नहीं किया है तो सबसे पहले आपका काम है जीओसी और आइसोमेरिज्म को अच्छे से रिवाइज करके आइए, पहली चीज। दूसरी चीज, ऑर्गेनिक में चैप्टर्स लोग बनाते हैं, जैसे मैं आपको पहले हाइड्रोकार्बन पढ़ाऊंगा, फिर हेलो एल्केन हेलो अरीन्स पढ़ाऊंगा, फिर एल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़ाऊंगा, फिर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ाऊंगा, फिर अमीन्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, अच्छी बात है, ये चैप्टर्स में एनसीईआरटी ने इसको बांट रखा है, पर ऑर्गेनिक में कोई चैप्टर नहीं होता, ऑर्गेनिक अपने आप में एक चैप्टर होती है। यानी कि जो आप पहले लेक्चर में पढ़ेंगे वो 50वें लेक्चर में लग सकता है, 45वें लेक्चर में लग सकता है ना, 25th लेक्चर में लग सकता है, कहीं भी लग जाएगा, आपको कुछ नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो हर लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, चाहे नीट हो, चाहे जेई हो, चाहे ओलंपियाड हो, कोई भी एग्जाम हो, चाहे आईटी जैम हो, आपके सारे एग्जाम के सारे क्वेश्चंस बनेंगे इन लेक्चर से। ठीक है ना, उसकी बिल्कुल चिंता आपको नहीं करनी है। एनसीईआरटी का सिंगल पॉइंट में यहाँ पर नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल बहुत बेसिक से एनसीईआरटी की सारी बातें कवर करते हुए हम शुरू करेंगे अपने चैप्टर को और खूब हाई लेवल पर लेकर जाएंगे, कुछ भी छूटेगा नहीं। ठीक है, बस आपको पेशेंस के साथ जहाँ थियरी है वहाँ थियरी प्रॉपर लिखनी है, समझनी है, और जहाँ रिएक्शंस आएंगी वहाँ पे रिएक्शन आपको खुद कराऊंगा। बस थियरी ये छोटी मोटी लिख कर लाया हूँ ताकि आपको इसमें टाइम वेस्ट ना करना पड़े। ठीक है, फिर आज ही हम क्वेश्चन भी कर लेंगे नीट 2022 का। चलिए, तो चैप्टर का नाम है हाइड्रोकार्बन। आपको पता है हाइड्रोकार्बन दो टाइप के होते हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जो होता है उसका मेजर सोर्स हमारे नेचर में है नेचुरल गैस और पेट्रोलियम। यानी कि हमें मेनली एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहाँ से मिलते हैं, नेचुरल गैस से और पेट्रोलियम से। पेट्रोलियम क्या होता है, पेट्रोलियम को हम लोग ब्लैक गोल्ड काला सोना भी बोलते हैं या क्रूड ऑयल भी बोलते हैं। ये एक टाइप का डार्क काले कलर का विस्कस गाढ़ा मिक्सचर होता है कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, उसी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और जब हम पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से रिफाइनिंग करते हैं तो हमें पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है और केरोसिन ऑयल मिलता है। ठीक, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के मेजर सोर्स क्या है, कोल कोयला। और कोयले की जब आप डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हो तो आपको क्या मिलता है, कोल गैस। याद रखना, यहां मैंने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया, यहां मैंने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्लियर? चलिए, अच्छा, हाइड्रोकार्बन का यूज क्या है, जो हायर नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन होते हैं जैसे डेकेन है ना, और 20 कार्बन का, 30 कार्बन का, 40 कार्बन का, ये सारे, इनको हम यूज करते हैं एज अ सॉल्वेंट फॉर पेंट्स एंड ऑल्सो एक्ट एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैनी डाइज और ड्रग्स। यानी कि कई सारी डाइज और ड्रग्स बनाने के लिए जो हमारा रॉ मटेरियल होता है, जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है, जिनसे मैन्युफैक्चरिंग शुरू करी जाती है, वो हमारे हाइड्रोकार्बन ही होते हैं। ठीक, जो कमर्शियल लेवल पर हम लोग गैसोलिन यूज करते हैं उसमें जो सबसे ज्यादा डिजायरेबल हाइड्रोकार्बन होते हैं वो होते हैं ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन, और ये 4 नंबर में आपका AIPMT में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है ना, हम सारे एग्जाम कवर कर लेंगे, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। ठीक है ना, क्योंकि AIPMT में सरल चीजें पूछी जाती हैं, तो सरल चीजें पहले लेक्चर में ही आ गई। ठीक है, तो इन कमर्शियल गैसोलिन्स द मोस्ट डिजायरेबल हाइड्रोकार्बन इज ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन। यानी कि जिनमें ब्रांचिंग होगी ना गैसोलिन बनाने के लिए, हम उनका यूज ज्यादा करते हैं। क्यों, आगे पढ़ेंगे चैप्टर में। ठीक है, चलिए, पेट्रोल हो गया और लोअर फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम, यानी कि पेट्रोलियम से कई सारी चीजें मिली ना, पेट्रोल मिला, डीजल मिला है ना, और भी कई सारी चीजें मिली, यहाँ पर हम लोगों ने लिखा था केरोसिन ऑयल मिला, और भी लोअर लोअर फ्रैक्शन में और भी कई सारी चीजें मिलती हैं। तो पेट्रोल और लोअर फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम आर ऑल्सो यूज फॉर ड्राई क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स। आप लोग ड्राई क्लीन कराने जाते हो, ड्राई क्लीनिंग में क्या करते हैं, मान लो पूरी शर्ट एकदम साफ है ना, और कहीं पे क्या कहते हैं, ग्रीस का कुछ दाग वाग लग गया, अब आपको केवल उतना हटाना है, तो क्या करेगा इंसान, है ना, तो वहां पर ड्राई क्लीनिंग में क्या करते हैं, पेट्रोल और लोअर फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम का यूज किया जाता है। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि ये आपके होते हैं नेचर में हाइड्रोफोबिक, और ये भी होता है हाइड्रोफोबिक, तो ये आपस में एक दूसरे से चिपक जाते हैं, फिर चिपकने के बाद ये इनमें घुल जाता है ग्रीस पार्टिकल, और आपका कपड़ा जो है वो साफ हो जाता है ना, वही जो आपने क्लिंजिंग एक्शन ऑफ सोप पढ़ा है ना, सेम कुछ कुछ उसी प्रकार का। ठीक है, तो खैर ये हमारे सिलेबस की बात नहीं, बस ये लाइनें लिखी हुई थी एनसीईआरटी में, तो ये मैं आपको बता रहा हूं, आपको ये पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हम सबसे पहले कुछ एल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। एल्केन आप सभी को पता है ये ऑलमोस्ट नॉन पोलर होते हैं। अगर नॉन पोलर हैं तो इसका मतलब दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, वो पानी में सॉल्युबल नहीं होंगे, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। ओके, इनके जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो बहुत ही वीक होते हैं, है ना, कम होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर वीक वैंडरवॉल फोर्सेस होते हैं, राइट, ठीक। ये कलरलेस होते हैं, ये ओडरलेस होते हैं, यानी कि इनका ना तो कोई कलर होता ना इनकी कोई स्मेल होती। कार्बन वन से लेके कार्बन फोर तक, यानी कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ये चारों गैस हैं। 5 से लेके 17 तक लिक्विड होते हैं और 18 से लेके फिर आगे इनफाइनाइट, मतलब C100, है ना, C200, C1000, C1 करोड़, कुछ भी हो वो सब क्या होंगे, सॉलिड। ये डेटा कब का है? एट 298 केल्विन। अगर मैं मीथेन को हिमालय पे ले जाऊं तो वो सॉलिड बन जाए, तो फिर मुझसे मत कहना कि सर आपने तो बोला था मीथेन गैस होती है। कब की बात हो रही है? एट रूम टेम्परेचर की, 298 केल्विन। सॉल्युबिलिटी ऑब्वियसली अभी बताया था कि इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट बट सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। क्यों? क्योंकि खुद नेचर में नॉन पोलर है और लाइक डिसॉल्व्स लाइक। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिकुलर मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, ठीक है ना। ये स्ट्रिक्टली ट्रू तो केवल बॉइलिंग पॉइंट के लिए, एक्चुअल तो मेल्टिंग पॉइंट के लिए जो ऑर्डर होता है वो एबनॉर्मल होता है। लोग उसको पढ़ाते जरूर हैं उल्टे सीधे एक्सेप्शन बना के, पर वो हमारे काम का नहीं है। कभी भी एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा आपसे मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। क्यों? अगर आप एनसीईआरटी खोल के देखेंगे तो एक टेबल बनी हुई है, उस टेबल को जरा ध्यान से देखिएगा, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बार बार चेंज हो रहा है। वहां कोई रूल नहीं लगता, ना तो ये मॉलिकुलर मास वाला रूल लगता, ना ब्रांचिंग वाला रूल लगता। कुछ लोग बोलते हैं कि इवन नंबर ऑफ कार्बन हो तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा ऑड नंबर ऑफ कार्बन वाले से, क्योंकि इवन नंबर ऑफ कार्बन वाले में पैकिंग अच्छी होती है, वो रूल भी फेल हो जाता है, ठीक है ना। तो ये फर्जी वाड़े वाले रूल हैं, ये कभी नहीं लगते, तो मेल्टिंग पॉइंट आपसे कभी भी नहीं पूछा जाएगा। और अगर पूछा जाता भी है तो आपको वो टेबल याद ही करनी पड़ेगी तभी होगा, ठीक। तो वो याद करने की जरूरत नहीं है, कभी भी आपसे पूछा नहीं जाएगा। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में ये रूल स्ट्रिक्टली वैलिड होता है कि सबसे पहले आप क्या चेक करोगे? मॉलिकुलर मास। मॉलिकुलर मास जिसका भी ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। अगर मॉलिकुलर मास दो एल्केन का सेम है तो फिर आप चेक करना ब्रांचिंग। ब्रांचिंग जितनी ज्यादा होगी उतना कम बॉइलिंग पॉइंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं पेंटेन, ब्यूटेन और प्रोपेन में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, आप कहोगे पेंटेन का मास ज्यादा है, ब्यूटेन का कम है, तो इस प्रकार ये हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। लेकिन फिर मैं आपसे कहूँ अच्छा एक बात बताओ, बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में एक बार मैंने ले लिया पेंटेन और एक बार मैंने ले लिया आइसो पेंटेन, अब इनमें क्या होगा? तो आप कहोगे सर ये लॉन्ग चेन है, लेकिन यहाँ पर एक देखिए ये ब्रांचिंग आ गई, ब्रांचिंग आने से आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है। तो जितनी ज्यादा ब्रांचिंग उतना कम बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि ब्रांचिंग आने से सरफेस एरिया जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, सरफेस एरिया जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। लेकिन मैंने आपको HOC में पढ़ाया था, अगर मैं पेंटेन और मैं आइसो पेंटेन में से HOC पूछूं हीट ऑफ कंबशन किसकी ज्यादा होगी, तो जल्दी से बताइए क्या ऑर्डर होगा। अगर आप पढ़कर आए हैं तुरंत आपको याद होनी चाहिए वाली चीज। देखिए मैंने आपको बताया था कि आइसोपेंटेन और पेंटेन में कौन ज्यादा स्टेबल है, आइसोपेंटेन ज्यादा स्टेबल है। जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होती है नो डाउट सरफेस एरिया कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, लेकिन स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है? ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। जो कम स्टेबल होगा उसका हीट ऑफ कंबशन ज्यादा होगा। क्लियर? चलिए वीडियो को पॉज करिए, नीट 2022 का क्वेश्चन करिए। आशा करते हैं आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके आंसर निकाला होगा। चलिए देखते हैं, ए क्या है आपका? ए है हेप्टेन। हेप्टेन में कितने कार्बन है? 7 कार्बन। बी है आपका ब्यूटेन। ब्यूटेन में कितने हैं? 4 कार्बन। सी है आपका 2-methyl butane, 5 कार्बन। डी है आपका 2-methyl propane, 4 कार्बन। और ई है आपका हेक्सेन, 6 कार्बन। तो सबसे पहले तो मैं जितने ज्यादा कार्बन उतने ज्यादा मॉलिकुलर मास, तो ए तो सबसे ज्यादा हो गया, फिर ई हो गया, फिर सी हो गया। अब बी और डी दोनों में क्या है? 4-4 कार्बन। तो 2-methyl propane में ब्रांचिंग है, ब्यूटेन में ब्रांचिंग नहीं है। जितनी ज्यादा ब्रांचिंग उतना कम बॉइलिंग पॉइंट, तो फिर आ जाएगा बी, फिर आ जाएगा डी। ये हो गया आपका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। तो सबसे पहले देखना आपको मॉलिकुलर मास, उसके बाद आपको देखनी है ब्रांचिंग।
ठीक। चलिए आगे बढ़े, एल्कीन्स की बात कर लेते हैं। एल्कीन आप सभी को पता है इस तरीके से होती है ना। एल्कीन जो होती है वो पूरी की पूरी मॉलिक्यूलर प्लेन होता है इसमें, यानी कि प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। क्योंकि यानी कि ये वाला ए बी सी डी ई एफ, ये 6 के 6 एटम क्या होंगे, सेम प्लेन में होंगे। ठीक है, sp2 कार्बन होते हैं, लेकिन इनका एंगल कंप्लीटली 120 नहीं होता। ये वाला जो एंगल होता है 120 से हल्का सा कम होता है, नियरली बराबर ही है लेकिन हल्का सा कम है, और ये वाला एंगल हल्का सा 120 से ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको बॉन्डिंग में समझा चुका हूँ क्लियरली। ठीक है, के लिए बस मैं ऐसे ही बता के छोड़ रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन सारी दे दूंगा, लेकिन जो चीज मैं बॉन्डिंग वगैरह मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ उसका कोई मतलब नहीं है, मैंने जीओसी में भी आपको एक्सप्लेन किया था। अब देखो, एल्कीन का पहला मेंबर तो कुछ होता ही नहीं है ना। सबसे छोटा मेंबर कौन सा होता है, इथीन। तो C2 से लेकर C4 तक क्या होते हैं, गैस। C5 से लेकर C19 तक होते हैं लिक्विड, और C20 से C-इनफाइनाइट तक होते हैं सॉलिड। ये सारे के सारे कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, बस एक ईथीन है जिसकी थोड़ी सी स्वीट स्मेल होती है। बाकी सारे जितने भी एल्कीन होंगे वो सब क्या होंगे, आपके कलरलेस भी होंगे, ऑर्डरलेस भी होंगे। ईथीन कलरलेस तो है लेकिन उसकी फेंट स्वीट स्मेल है, बस इस बात को आप लोग याद रख लीजिए। ठीक है, अच्छा एक बात याद रखना, अभी मैंने जैसे आपको बताया कि जो एल्कीन है उसका पहला मेंबर तो होता नहीं है, तो जैसे कोई आपसे कहे कि एल्केन के पहले मेंबर का नाम बताओ, सॉरी एल्केन के फिफ्थ मेंबर का नाम बताओ, तो फिफ्थ मेंबर का मतलब है C5 कार्बन 5। ठीक है, और C5H12 ये हो जाएगा फॉर्मूला CnH2n+2 के हिसाब से। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ एल्कीन के पांचवें मेंबर का नाम बताओ, तो एल्कीन के पांचवें मेंबर का मतलब है C6, क्योंकि एल्केन का पहला मेंबर C2 होता है, तो पांचवा मेंबर कौन सा हो जाएगा, C6। इस बात को याद रखना, तो एल्कीन हो गया C6H12, ये हो गया फिफ्थ मेंबर। ठीक है, अगर कोई बोले सेम आपसे एल्काइन का बताओ, तो एल्काइन में भी C1 तो होता नहीं है, C2 होता है, तो फिफ्थ मेंबर क्या हो जाएगा, C6H10। ये वाली बातें याद रखना। ये हो गई एल्कीन की बात, अब जरा एल्काइन की एक बार बात देखते, ध्यान से देखना। एल्काइन क्या होता है, एल्काइन होता है C CCC, एक एटम इधर ए, एक एटम इधर बी, है ना। तो मैंने आपको बताया था ये मॉलिक्यूल जो होता है वो प्लेनर तो है ही, लेकिन साथ के साथ ये लीनियर भी है। प्लेनर तो है ही लेकिन साथ के साथ लीनियर भी है। ठीक है, तो इस बात को याद रखना। अच्छा, अब एक और बात समझिए, अगर कोई आपसे पूछे कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है वो कैसा है, तो एक बार जरा इसको ध्यान से समझना। तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल की वजह से बन गया होगा, लेकिन इसके पास 2p ऑर्बिटल रहे होंगे इस तरीके से, इसके पास भी 2p ऑर्बिटल रहे होंगे इस तरीके से। अब बड़े ध्यान से देखना, एक पाई बॉन्ड तो बन गया होगा इन दोनों p ऑर्बिटल की ओवरलैप से, सही है। और जो एक पाई बॉन्ड है वो बना होगा इन दोनों p ऑर्बिटल की ओवरलैप से, तभी तो 2 पाई बॉन्ड बने। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से देखिएगा आप लोग, कि अगर मैं ध्यान से देखना इन दोनों बॉन्ड को जोड़ूं इस तरीके से, इन दोनों ऑर्बिटल को और इन दोनों ऑर्बिटल को जोड़ूं और इन दोनों को आपस में जोड़ दूं, तो क्या ये आपको एक सिलेंडर दिखा। हाँ सर दिखा तो सही, सेम काम आप यहां भी कर सकते हो, यहाँ पर एक सिलेंडर दिख गया। हाँ सर दिखा तो सही। अच्छा आप ध्यान से देखना, अगर मैं इन दोनों को यूं करके जोड़ दूं तो क्या आपको ये भी एक सिलेंडर दिख गया। हाँ सर दिखा तो सही। ऐसे इन दोनों को जोड़ दो तो क्या नीचे भी एक सिलेंडर दिख गया, देखो ये सही है। तो आपको एक बात समझ में आ रही है कि इस वाले स्ट्रक्चर में ये जो पूरा क्लाउड है, इधर वाला भी चाहे ऐसे करके ले लो, ये पूरा का पूरा क्लाउड जो है वो नेचर में सिमेट्रिकल है। तो एल्काइन की वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ध्यान से समझ लीजिए इसको, कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिटवीन टू कार्बन एटम इज सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल अबाउट इंटर न्यूक्लियर एक्सिस।
ऐसा क्यों हो रहा है? सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल क्यों है? क्योंकि एक सिग्मा बॉन्ड है सीसी के बीच में और दो पाई बॉन्ड है। तो जब हमने वो पाई और पाई बॉन्ड बनाने वाले पी ऑर्बिटल को आपस में जोड़ा तो एक सिलेंडर बनके तैयार हो गया। तो एल्काइन का जो सीसी बॉन्ड के चारों ओर जो कार्बन एटम का इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है कार्बन एटम की वजह से जो बनता है वो सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो जो क्लाउड बना है वो एक तो सिग्मा सीसी की वजह से बना है और दो पाई सीसी बॉन्ड है वहां पर। तो दो पाई बॉन्ड की वजह से चार पी ऑर्बिटल आए और चार पी ऑर्बिटल ने जब मिक्सिंग करी तो जो आपका क्लाउड बना था वो सिलेंड्रिकल बना। ठीक, चलिए अच्छा इसकी बात कर लें तो C2 से C4 गैसेस होते हैं, C5 से C12 लिक्विड होते हैं और C13 से C∞ तक सॉलिड होते हैं। इथाइन को छोड़कर बाकी सारे आपके ओडरलेस होते हैं और कलरलेस भी होते हैं। इथाइन की भी कुछ स्मेल होती है, उसका जिक्र नहीं है कैसी होती है, तो मैंने बस इतना लिख दिया कि इथाइन की भी कुछ ओडर होगी, इथीन की भी कुछ ओडर होगी और बाकी सबकी ना तो कोई ओडर होगी ना ही कोई कलर होगा। क्लियर है जी? ये आपका पूरा क्या हो गया, ये है आपका पूरा हाइड्रोकार्बन का छोटा सा थ्योरी वाला पार्ट। रिएक्शंस पे आ जाएं। चलिए अब हम चलते हैं रिएक्शंस पर। तो हेडिंग लगा लो रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोकार्बन। Reactions of hydrocarbon. चलिए पहली रिएक्शन जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एडिशन ऑफ H2 का एडिशन, ठीक है ना। इसी को कुछ लोग कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन के नाम से जानते हैं। और इसी को कुछ लोग सबेटियर सैंडरेंस रिएक्शन भी बोलते हैं। तो ये सब नाम है, अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं। बड़े ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा। अब यहां से बहुत काम की चीजें शुरू हो चुकी हैं आपकी। देखो लेट सपोज आपके पास एक एल्कीन है, ये ए बी सी और डी, ठीक है। अभी ये स्ट्रक्चर क्या है, प्लेनर है, ठीक। अच्छा लेट सपोज मैंने क्या किया, मैं इस एल्कीन के ऊपर H2 मॉलिक्यूल लेकर आया, ठीक। तो अब H2 आप सभी को पता है कि इस तरीके से बॉन्ड होता है, ठीक। अच्छा बड़े ध्यान से समझना, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन एक सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं और एक डबल बॉन्ड बना रहे हैं, राइट, ठीक है। यानी कि एक सिग्मा है और एक पाई है। अच्छा सिग्मा और पाई में स्ट्रॉन्गर कौन? सर सिग्मा स्ट्रॉन्गर होता है, पाई वीकर होता है। तो अगर कल को टूटने की बात आई तो कौन पहले टूटेगा? सर पाई पहले टूटेगा और सिग्मा बाद में टूटेगा, ठीक है। अब बड़े ध्यान से समझना, यह बना था। अच्छा इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड पहले बन चुका है, ये दोनों बॉन्ड जरूर, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जरूर आपस में मिले होंगे और इन दोनों ने पाई बॉन्ड बना लिया होगा। बोलो सही है। सोचो अगर इस इलेक्ट्रॉन को कल को एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देने आ जाए और इस इलेक्ट्रॉन को भी एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देने आ जाए तो क्या ये आपस में मिलने की बजाय ऐसे भी मिल सकते हैं? आपको बिल्कुल। तो क्या ये पाई बॉन्ड बनाने की बजाय दो सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे हाइड्रोजन से? आपने कहा हाँ बिल्कुल सर, ऐसा कर तो सकते हैं। और क्या आप इसको एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बोल दोगे? हाँ सर बोल तो देंगे, ठीक है। पर सर एक बात सुनो, मैंने कहा क्या कि सर जब हाइड्रोजन लेकर आओगे तो हाइड्रोजन नेचर में H की फॉर्म में तो मिलता ही नहीं है, वो तो H2 की फॉर्म में मिलता है। तो जब आप हाइड्रोजन लेकर आए होगे तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कार्बन को थोड़ी दे पाओगे, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन तो आपस में शेयर होंगे। मैंने कहा हाँ बात तो ठीक है,
इसका मतलब हाइड्रोजन अपने आप किसी एल्कीन से ऐड होने नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के खुद के इलेक्ट्रॉन आपस में बिजी हैं कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में। H2 गैस मस्त आराम से स्टेबल है। ठीक, तो फिर क्या किया गया? फिर कुछ कैटलिस्ट लाए गए। कैसे कैसे कैटलिस्ट लाए गए? तीन कैटलिस्ट बहुत फेमस है, पीटी प्लेटिनम, पीडी पैलेडियम और निकल। प्लेटिनम पैलेडियम और निकल, ये क्या करते हैं अब ध्यान से सुनना। जैसे मान लो ये प्लेटिनम का सरफेस है ना, आपके पास एक प्लेटिनम की पूरी एक मेटल की रॉड थी, उसमें कई सारे पीटी के एटम्स थे। तो जैसे ये आपका प्लेटिनम का क्या है, सरफेस, बड़े ध्यान समझिएगा। अब क्या हुआ, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल मस्त आराम से टहल रहा था। प्लेटिनम ने क्या किया, प्लेटिनम ने हाइड्रोजन को बोला, काफी देर से घूम रहे हो, थक गए होगे, एक काम करो, थोड़ा मेरे ऊपर बैठकर आराम कर लो। हाइड्रोजन ने कहा ठीक है चलो कर लेते हैं आराम। लेकिन हाइड्रोजन की शर्त थी, देखो भाई ऐसा है आराम तो कर रहे हैं लेकिन तुमसे बॉन्ड नहीं बनाएंगे हम, ठीक है ना, क्यों, हम आपस में एक दूसरे से बॉन्ड बनाकर खुश हैं। प्लेटिनम ने कहा अच्छा ठीक है, तुम हमारे से बॉन्ड मत बनाओ, हमारे अंदर एब्जॉर्ब मत हो, हमारे अंदर एडजॉर्ब तो हो सकते हो। एडजॉर्ब का मतलब केवल सरफेस सरफेस पर रहना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक फोम, फोम समझते हो ना, फोम, फोम के टुकड़े को पानी में डालो तो क्या होगा, फोम के सरफेस पे भी पानी आ जाएगा और फोम के अंदर भी पानी चला जाएगा। फोम को जैसे निचोड़ोगे उसके अंदर से पानी निकलेगा। तो उसने क्या किया, पानी को एब्जॉर्ब कर लिया, अपने अंदर रख लिया, है ना। कपड़े को जब पानी में डालते तो क्या होता, कपड़े को निचोड़ो पानी निकलता है, इसका मतलब कपड़े के अंदर पानी चला गया, ठीक है। लेकिन आपके पास जो डस्टर है जिससे आप क्या कहते हैं साफ सफाई करते हो, या कोई एक लकड़ी ले लो, लकड़ी को पानी में डालो, क्या होगा, पानी बंद कर लो, लकड़ी के अंदर पानी नहीं जाएगा, ठीक है ना, अगर ज्यादा देर तक नहीं डाला है। या कोई ऐसी नॉर्मल डस्टर ले लो, लोहा ले लो, ठीक है ना, कांच ले लो, तो कांच के अंदर थोड़ी पानी चला जाएगा, कांच के सरफेस पे पानी रहेगा, पहुंच दो पानी खत्म हो गया, है ना। प्लाई ले लो, प्लाई को डाल दो पानी के, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एडजॉर्प्शन, मतलब पानी जो था केवल सरफेस सरफेस पर लगा, आप कपड़े से पहुंच दीजिए, पानी खत्म, सही है, ठीक है। तो हाइड्रोजन ने कहा एक काम करेंगे, हम केवल तुम्हारे सरफेस पर बैठेंगे, ठीक है। ये बैठना शुरू हुए। अच्छा जैसे ही बैठना शुरू हुए, प्लेटिनम ने हल्का हल्का हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्शन करना शुरू कर दिया, ठीक है। जैसे ही ये बैठना शुरू हुए, प्लेटिनम ने हल्का हल्का, या कोई भी कैटलिस्ट ने हल्का हल्का इंटरेक्शन करना शुरू कर दिया। अच्छा जैसे ही हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्शन हुआ, हाइड्रोजन को भी थोड़ा थोड़ा मजा आने लगा। अब जैसे ही आप किसी के साथ बॉन्ड बना के बैठे हो और आपकी जिंदगी में कोई तीसरा आ जाए, तो जो पुराना बॉन्ड था उस पर फर्क तो पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। तो क्या हुआ, हाइड्रोजन का ये वाला बॉन्ड जो था वो धीरे धीरे वीक होने लगा। अच्छा ऐसा हो ही पाया था, तब तक प्लेटिनम ने क्या करा, एल्कीन को आवाज लगाई, एल्कीन सुनो, हाइड्रोजन के बॉन्ड जो हैं वो वीक होते जा रहे हैं, तुम्हारे पास मौका है, जाओ हाइड्रोजन को अपने अंदर संभालो। एल्कीन आई दौड़ी दौड़ी, और एल्कीन क्या बोली, ध्यान से देखना, एल्कीन ने क्या किया, अपने पाई बॉन्ड को तुरंत हल्का सा वीक किया। क्यों, पाई बॉन्ड तो धीरे धीरे टूट सकता है ना, बिल्कुल, तो पाई बॉन्ड हल्का हल्का टूटना शुरू हुआ यहां से, और हल्का हल्का एल्कीन ने भी हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्शन करना शुरू कर दिया। आप देख रहे हैं रिएक्शन में क्या हो रहा है, रिएक्शन में एल्कीन जो है वो अपने पाई बॉन्ड को तोड़कर एच के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये काम वो अकेले नहीं कर सकती थी, तो उसने एक कैटलिस्ट की मदद ली। कैटलिस्ट का काम इतना था कि उसने हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड्स को क्या कर दिया, पोलराइज कर दिया, या थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का वीक कर दिया। हल्के वीक करने से क्या हुआ, फिर उसी मतलब वही कैटलिस्ट ने एल्कीन के भी थोड़े से बॉन्ड को वीक किया।
और जैसे ही दोनों के बॉन्ड वीक हो गए, दोनों ने आपस में हल्का हल्का बॉन्ड बनाना शुरू किया। तो अल्टीमेटली अब क्या हो रहा है देखिए, पहले आपके पास प्योरली ये मॉलिक्यूल था और ये मॉलिक्यूल था, ठीक। बाद में क्या हुआ, हल्का हल्का ये वाला बॉन्ड भी वीक हुआ, H और H का ये वाला बॉन्ड भी वीक हुआ, और H का कार्बन से बॉन्ड बनना शुरू हो गया, और अल्टीमेटली H का बॉन्ड टूटा, कार्बन का बॉन्ड टूटा, और दोनों का आपस में नाता जुड़ा। लोगों ने कहा बधाई हो, आपके यहां एल्कीन से एल्केन हुआ है, आपके यहां एल्कीन से एल्केन हुआ है। क्लियर हो गई बात। इस प्रकार आपका हाइड्रोजन पाई बॉन्ड से ऐड हो जाता है, ठीक। अब हम एक लाइन में बिल्कुल रिएक्शन याद रखेंगे, जब भी कोई एल्कीन के ऊपर आप H2 डालो, किसकी प्रेजेंस में, चाहे PD ले लो, चाहे PT ले लो, चाहे NI ले लो, इस तरीके से लिखा हुआ होगा, आप क्या करोगे, चुपचाप एल्केन बना दोगे, ठीक ठीक। अच्छा, अब इस रिएक्शन को अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर कुछ अनोखी चीजें हुई हैं, उनको पहले लिख लेते हैं। क्या हुआ है, आप बोलोगे कि सर जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ मैं ट्रांजिशन कर रहा था तो बीच में एक ऐसी स्टेट आई थी जहां ना तो बॉन्ड पूरी तरीके से ब्रेक हुए ना बॉन्ड पूरी तरीके से फॉर्म हुए, ऐसी स्टेट को बोला जाता है ट्रांजिशन स्टेट, ऐसी स्टेट को बोला जाता है ट्रांजिशन स्टेट, जहां ना तो बॉन्ड पूरी तरीके से ब्रेक हुए हो ना बॉन्ड पूरी तरीके से मेक हुए। तो हम बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन साइमल्टेनियसली टेक्स प्लेस, एक साथ होते, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उसकी वजह से ट्रांजिशन स्टेट जो होती है वो अनस्टेबल होती है, इसकी एनर्जी हाई होती है, और इसीलिए हम इसको आइसोलेट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी आइसोलेटेड। इतनी बात ठीक, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर ट्रांजिशन स्टेट को ध्यान से देखो, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ट्रांजिशन स्टेट एक कार्बन, दो कार्बन, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, चार लोगों के बीच में बन रही है, यानी कि चार मेंबर पार्ट ले रहे हैं इस ट्रांजिशन स्टेट में, बिल्कुल सही बात है, और एक साइक्लिक फॉर्म बन रही है, सही है। तो लोग बोलते हैं इस रिएक्शन में 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है, चार मेंबर की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है, क्लियर। चलिए, एक बात हो गई। अच्छा, और क्या क्या बातें हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो रिएक्शन में एक पाई बॉन्ड टूट रहा है और दो नए सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, एक पाई टूटकर दो नए सिग्मा बन रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब कि वीक बॉन्ड टूटकर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है, यानी कि बॉन्ड तोड़ने में कम एनर्जी देनी पड़ेगी और जो नए बॉन्ड बनेंगे उनसे खूब सारी नई नई एनर्जी निकलेगी। तो नेट अगर कोई पूछे एनर्जी का चेंज कैसा है तो आप कहोगे नेट नेट तो हमें एनर्जी मिल रही है, इसका मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पर एक्सोथर्मिक है। तो ये वाली जो रिएक्शन है, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। ये सब बातें लिखते रहना, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, क्यों, क्योंकि पाई टूटकर सिग्मा बन रहा है, ये भी लिख लेना, क्योंकि पाई टूटकर सिग्मा बन रहा है। इतनी बात ठीक। अच्छा, अब अगर आप ध्यान से देखो तो जिस तरफ से ये वाला हाइड्रोजन जुड़ रहा है उसी तरफ से ये वाला हाइड्रोजन जुड़ रहा है,
यानी कि दोनों हाइड्रोजन सेम तरफ से जुड़ेंगे, ऐसा नहीं हो सकता एक हाइड्रोजन आगे से जुड़े एक हाइड्रोजन पीछे से जुड़ जाए। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जब तक टूटे नहीं थे उससे पहले ही जुड़ने आ गए। तो अगर एक हाइड्रोजन आगे से आ रहा था तो मतलब दूसरा हाइड्रोजन भी आगे से ही आ रहा था। क्यों? क्योंकि पूरी तरीके से जुड़ने से पहले वो पूरी तरीके से टूटे नहीं थे, वो आपस में जुड़े थे। तो अगर पहला आगे था मतलब दूसरा भी आगे ही था, पहला पीछे था तो इसका मतलब दूसरा भी पीछे था। तो इसका मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम सेम साइड, और ऐसे एडिशन को बोला जाता है केमिस्ट्री में सिन एडिशन। सिन एडिशन मतलब जब कोई भी चीज सेम साइड से ऐड हो। मतलब लेट सपोज मेरे पास एक ये एल्कीन है, इसमें मैंने डाल दिया H2Ni, ठीक। तो आप कहोगे या तो दोनों H को ऊपर से ऐड कराओ, अगर दोनों H ऊपर से ऐड होने आए तो CH3 नीचे चला जाएगा। और अगर दोनों H नीचे से ऐड होने आए तो CH3 ऊपर चला जाएगा, ठीक। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि एक H ऊपर से आए और दूसरा H नीचे से आए। अगर कोई ये प्रोडक्ट बना रहा है तो वो महापापी है, ये प्रोडक्ट कभी नहीं बनेगा। या तो दोनों ऊपर से आएंगे या दोनों नीचे से आएंगे। ठीक है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात थी। चलिए नोट डाल के एक और बात लिखिए। पैलेडियम और प्लेटिनम के साथ जो रिएक्शन होती है वो रूम टेम्परेचर पर ही हो जाती है। तो पैलेडियम एंड प्लेटिनम कैटेलाइज द रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर। बट लेकिन निकल के साथ आपको थोड़ा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, बट रिलेटिवली हायर टेम्परेचर and pressure is required for nickel. निकल के लिए आपको हल्का सा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, इतनी बात। अच्छा, जैसे आप H2 को ऐड कर रहे हो वैसे आप D2 को भी ऐड कर सकते हो। जैसे कल को अगर कोई रिएक्शन आपको ऐसे दे दे, इसमें डाल दिया D2Ni, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ऐसी सेम रिएक्शन हो जाएगी, DD जुड़ जाएगा आपकी बार, जैसे H जुड़ रहा है वैसे D जुड़ जाएगा। तो अब अगर दोनों D ऊपर से जुड़े तो यहां पर देखो पहले से एक एक H तो लगे होंगे ना, तो वो H नीचे चले जाएंगे इस तरीके से। तो ये भी एक कायरल सेंटर बन गया, ये भी एक कायरल सेंटर बन गया, यहां दो दो कायरल सेंटर जनरेट हो गए, सही है ना। अगर किसी को कायरल सेंटर नहीं पता है, वो 11th में है अभी, तो हो सकता है उसको कायरल सेंटर ना पता हो, आप 12th में पढ़ेंगे इस चीज को। बेटा ऑर्गेनिक कभी भी 11th 12th करके नहीं पढ़ी जाती है, याद रखना, कोचिंग्स में इसीलिए ऑर्गेनिक पूरी एक साथ पढ़ाई जाती है ना। इसीलिए स्कूल वाले बच्चों को ना ऑर्गेनिक में हमेशा दिक्कत होती है कॉम्पिटिशन की। क्यों? क्योंकि वो 11th में हाइड्रोकार्बन पढ़ते हैं, 12th तक पूरा भूल जाते हैं, पर 11th में जो हाइड्रोकार्बन पढ़ते हैं उसमें स्टीरियो यूज नहीं होती, 12th में स्टीरियो लगती है, और 12th में लेकिन हाइड्रोकार्बन नहीं आता, तो इसका मतलब हाइड्रोकार्बन में कभी स्टीरियो को लगाते ही नहीं है जिंदगी में, और फिर उनका हाइड्रोकार्बन हमेशा वीक रहता है, क्योंकि एग्जाम में जब भी हाइड्रोकार्बन आता है तो वो स्टीरियो लग के आता है, ठीक है ना।
तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा, मैं स्टीरियो लगा के पढ़ा रहा हूँ, अगर अभी तक आपने स्टीरियो नहीं पढ़ी है तो आप 12th में पढ़ेंगे उसको, आप इन लेक्चर्स को फिर से देख लेना, ठीक है? और नहीं तो अभी के लिए आप कायरल सेंटर वगैरह वाली बातें इग्नोर करके बस लिख लो ये कायरल सेंटर है, जब 12th में पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? चलो तो ये हो गया आपका, इस तरीके से आप डी को भी ऐड कर सकते हो, क्लियर? जैसे एल्कीन में किया, क्या सर वैसे एल्काइन में भी हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, जैसे आपके पास एक एल्काइन है ए और बी, इसमें आपने डाल दिया H2Ni, तो क्या होगा, सबसे पहले एक बार H2 जुड़ेगा, जैसे ही एक बार H2 जुड़ा क्या होगा, ये एल्कीन बन जाएगा। अच्छा H2 किधर से जुड़ेगा, सेम साइड से, तो अगर एक H नीचे जुड़ा है तो ये दूसरा H भी नीचे जुड़ो, तो ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा B, सही है? आप ऐसे नहीं बना सकते, अब याद रखना ये फॉल्स है क्योंकि आप दोनों H सेम साइड से जोड़ सकते हो, फिर से आपने जोड़ा तो फिर से अब ये एल्केन बन जाएगा, तो दो H जुड़ गए आपकी बार, तो इसका मतलब आप एडिशन एल्काइन पे भी कर सकते हो, एडिशन एल्कीन पे भी कर सकते हो। अच्छा एक ड्रॉबैक है इस रिएक्शन का कि जब भी आप एल्काइन पे करते हो ना, तो रिएक्शन कभी भी एल्कीन पर स्टॉप नहीं होती है ना, कब जब भी आप रिएक्शन करते हो तो रिएक्शन कभी भी एल्कीन पर स्टॉप नहीं होती, रिएक्शन पूरी एल्केन तक चली जाती है, रिएक्शन पूरी एल्केन तक चली जाती है। तो लोगों को ये बड़ी समस्या लगती थी कि यार हमें तो यार एल्कीन बनानी है और रिएक्शन यार एल्कीन पर रुकती नहीं है, एल्केन तक चली जाती है, तो फिर क्या किया जाए? तो लोगों ने सोचा एक काम करो, ये जो H2Ni है ना, इसकी रिएक्टिविटी कम कर दो। कैसे कम करें? तो कुछ इसमें जहर डाले गए, जहर समझते हो, पॉइजन्स, पॉइजन केमिस्ट्री की भाषा में पॉइजन होते हैं जो कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को कम कर दें। कैटलिस्ट को क्यों डाला जाता है रिएक्शन में? ताकि रिएक्शन का रेट फास्ट हो जाए, है ना? तो फिर बाद में क्या करते हैं, पहले रिएक्शन का रेट फास्ट किया, फिर पॉइजन डाल दिया, तो रिएक्शन का रेट स्लो हो गया, है ना? तो उसकी वजह से क्या हुआ, एल्काइन से एल्कीन तक तो रिएक्शन हो जाती है, लेकिन एल्कीन से आगे रिएक्शन नहीं बढ़ पाती, सही है? तो ऐसा एक पॉइजन अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लिंडलार्स कैटलिस्ट। क्या बोला जाता है? लिंडलार्स कैटलिस्ट। क्या होता है ये? H2PD के साथ या तो CaCO3 लिखा होगा, या फिर H2PD के साथ केवल C लिखा होगा, या फिर H2PD के साथ BaSO4 लिखा होगा। इनमें से कोई भी चीज लिखी हो, समझ जाना ये लिंडलार्स कैटलिस्ट है, ठीक है? अच्छा इसको पॉइजन किससे करते हैं? इट इज पॉइजन्ड विद या तो सल्फर ले लो या क्विनोलिन ले लो। क्विनोलिन जानते हो? ये होता है क्विनोलिन, या फिर लेड एसीटेट ले लो। इनमें से तीनों में से कोई भी एक पॉइजन ले लो और साथ में ये पूरा रिएजेंट ले लो। जब ये डालते हो तो ये क्या करते हैं, पॉइजन आपके डिक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजनेशन, जिसकी वजह से क्या होता है, रिएक्शन स्टॉप्स एट एल्कीन। रिएक्शन एल्कीन बनते ही स्टॉप हो जाती है, और कौन सी एल्कीन बनती है हमेशा याद रखना, लिंडलार्स कैटलिस्ट 100% सिस एल्कीन बनाता है, ट्रांस एल्कीन कभी भी मत बना देना लिंडलार्स कैटलिस्ट के साथ, याद रखना ट्रांस एल्कीन कभी ना बॉन्ड बे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिया कोई भी ले लो CH3, C ट्रिपल बॉन्ड CCH3,
इसमें आपने डाल दिया H2PdCaCO3। किसी ने पूछा क्या बनेगा, आप कहोगे एल्कीन बनेगी। क्यों? क्योंकि ये लार्ज कैटलिस्ट है। कैसी एल्कीन बनेगी? आप बोलोगे सिस एल्कीन। क्या बोलोगे? सिस एल्कीन। दोनों एच सेम साइड से जुड़ेंगे, 100% सिस एल्कीन। कोई साइड प्रोडक्ट नहीं, कोई माइनर प्रोडक्ट नहीं, इकलौता प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो इस प्रकार से आप सिस एल्कीन बना सकते, ये एक बात हो गई। अच्छा, अब रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब बड़े ध्यान से समझना, देखो हाइड्रोजन को ऐड होने आना है एल्कीन के पास, है ना। जैसे ये एक एल्कीन है, अब यहां से H को आना है। अच्छा, यहां पर ये A ग्रुप बैठा है, ये B ग्रुप बैठा है। जब हाइड्रोजन यहां से आना शुरू होगा तो ए इसके साथ रिपल्शन करेगा और बी इसके साथ रिपल्शन करेगा। तो जैसे जैसे ये ए और बी के साइज बढ़ेंगे, एच का इस एल्कीन के पास आना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। सही बात है। जैसे जैसे ये एच, जैसे जैसे ए और बी का साइज बढ़ेगा, एच का एल्कीन के पास आना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। और अगर H का एल्कीन के पास आना मुश्किल हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, एक ऐसी एल्कीन जिसमें चारों तरफ केवल और केवल हाइड्रोजन लगे हों, यानी कि सबसे छोटे एटम, उसका रेट सबसे फास्टेस्ट होगा। सही है। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन हटा के एक CH3 बड़कू ग्रुप लगा दिया। तो बड़कू ग्रुप लगाने से क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। क्यों? देखो पहले इधर से भी आ सकता था, ऊपर से भी आ सकता है, नीचे से भी आ सकता है। अब क्या हुआ, नीचे से नहीं आ सकता, या आएगा तो थोड़ा मुश्किल से आएगा क्योंकि एक CH3 ग्रुप लगा है, लेकिन ऊपर से तो आ सकता है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, फिर देखो अगला ग्रुप लगा रहा हूं। अब मैंने क्या किया, दो दो CH3 ग्रुप लगा दिए। तो जैसे ही मैंने दो दो CH3 ग्रुप लगाए, अब नीचे से आना और मुश्किल हो गया, है ना, लेकिन ऊपर से तो आराम से आ सकता है, बोलो ठीक। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने एक ग्रुप नीचे लगा दिया, एक ग्रुप ऊपर लगा दिया। अब तो बड़ी दिक्कत है, अब तो ऊपर से भी आने में थोड़ी समस्या होगी, नीचे से भी आने में थोड़ी समस्या होगी, तो रेट और स्लो हो गया। फिर आगे बढ़े, इसके बाद है ना, फिर मैंने तीन तीन ग्रुप लगा दिए। तो अब देखो नीचे से तो आ ही नहीं सकता, बड़ा मुश्किल है आना, मतलब आ तो सकता है लेकिन बड़ी मुश्किल से आएगा, और ऊपर भी मुश्किल है क्योंकि एक तरफ तो H है लेकिन दूसरी तरफ CH3 है। सही है, तो रेट और स्लो हो गया। अगर मैंने चारों तरफ ही CH3 लगा दिए, फिर तो रेट महा 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 स्लो हो गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं रिएक्शन नहीं होगी, मैं कह रहा हूं रिएक्शन बहुत देर में होगी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, पूरा ऑर्डर। अगर मैं एल्काइन की बात करूं, एल्काइन की, तो बेटा याद रखना एल्काइन का रेट हमेशा एल्कीन से ज्यादा होता है। एल्काइन का रेट हमेशा एल्कीन से ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि रिपल्शन करने वाले लोग कौन थे, ए और बी। एल्काइन में कोई रिपल्शन करने वाला ही नहीं है, ए इधर बैठा है, बी इधर बैठा है, हाइड्रोजन को इधर से आना है, देयर इज नो रिपल्शन। तो इसलिए एल्काइन्स का रेट हमेशा एल्कीन से ज्यादा होता है। तो रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन में लिख लेना इस बात को, एल्काइन्स का रेट एल्कीन से हमेशा ज्यादा होता है। ठीक है, एल्कीन में मैं आपको बता ही चुका, एल्कीन में सबसे अच्छा रेट इसका, फिर उसके बाद इसका, फिर उसके बाद इसका, फिर उसके बाद इसका, फिर उसके बाद तीन ग्रुप लगा दो, फिर उसके बाद चार ग्रुप लगा दो। ठीक है, और इन सबसे अच्छा एल्काइन। ठीक है जी, चलिए। तो अब इससे फायदा क्या होता है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन
लेट सपोज मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया इस प्रकार से, ये ठीक है, मैंने आपसे कहा मैंने इसमें H2Ni डाला लेकिन एक इक्विवेलेंट ही डाला, एक इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, एक ही बार H2Ni रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। तो अब तीन एल्कीन आपके पास, ये भी है, ये भी है और ये भी है, बताओ सबसे पहले किसके साथ रिएक्शन करवाओगे। तो आप चेक करोगे, क्या चेक करेंगे सर, देखो ये तो केवल एक ही तरफ से बल्कि ग्रुप जुड़ा हुआ है, इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन, यहां पर दो तरफ से बल्कि ग्रुप जुड़े हैं, दो तरफ खाली है, और यहां तो चारों तरफ से बल्कि ग्रुप जुड़े हैं, तो सबसे ज्यादा रेट किसका हो गया, एल्कीन नंबर ए का। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्कीन नंबर ए को गायब कर दो और ये एज इट इज, बढ़िया है, सही है, ठीक। अगर मैं दो इक्विवेलेंट ले लेता मतलब दो बार रिएक्शन होगी, दो बार रिएक्शन का मतलब एल्कीन नंबर ए भी रिएक्ट कर लेती, एल्कीन नंबर बी भी रिएक्ट कर लेती, एल्कीन नंबर सी रह जाती। तो अगर मैं दो इक्विवेलेंट लेता, लिख लेना इस बात को दोबारा से, दो दूसरा क्वेश्चन बना के टू इक्विवेलेंट लिख के, तब क्या प्रोडक्ट बनता, तब प्रोडक्ट बनता आपका ये इस प्रकार से, सही है। और अगर मैं कुछ ना लिखूं, इक्विवेलेंट वगैरह कुछ मेंशन ना करूं, केवल H2Ni लिख देता, मतलब आप समझ जाते कि मैंने एक्सेस में लिया है, H2Ni का कोई हिसाब किताब नहीं है, भरमार है, जहां तहां रिएक्शन दिखे हर जगह करा दो, कोई पूछने वाला नहीं है, क्लियर है इतनी बात। ये सब छोटी मोटी बातें थी लेकिन ये सब आपको पता होनी चाहिए। अच्छा अगली बात और देखिए, लेट सपोज मैं ये वाला क्वेश्चन ले लेता हूं, एक बार H2Ni डाला मैंने वन इक्विवेलेंट, ठीक है, एक बार H2Ni डाला टू इक्विवेलेंट, एक बार H2Ni डाला थ्री इक्विवेलेंट, तो वीडियो को पॉज करिए, सोचिए जब मैंने एक ही इक्विवेलेंट डाला यानी कि H2Ni एक ही बार रिएक्ट करेगा, सही है, तो क्या होगा, एक एल्काइन है, तीन एल्कीन है, एल्काइन का रेट हमेशा एल्कीन से फास्टर होता है, एल्काइन का रेट हमेशा एल्कीन से फास्टर होता है, तो जब एक ही बार H2Ni डाला है तो रिएक्शन अब रुक जाएगी, है ना, रिएक्शन अब रुक जाएगी, तो एल्काइन को एल्कीन पर ही बना के रिएक्शन को रुकना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि H2Ni एक ही इक्विवेलेंट डाला था, तो एक ही पाई बॉन्ड के साथ रिएक्शन होगी और रिएक्शन रुक गई। अच्छा इसी में एक और डाल दूं, यानी कि दो इक्विवेलेंट वाला आंसर बता रहा हूं, बी वाला आंसर, तो बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, अब इसमें देखो कौन सी एल्कीन सबसे कम हिंडर्ड है, तो आपको दिखेगा एल्कीन नंबर ए सबसे कम हिंडर्ड है, तो जब दो इक्विवेलेंट डालूंगा तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, दो इक्विवेलेंट डालते ही प्रोडक्ट बनेगा आपका ये, और जब इसमें एक और इक्विवेलेंट डाल दूं यानी कि सी वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो सी वाला प्रोडक्ट बन जाएगा आपका। अब सबसे कम हिंडर्ड कौन है, सबसे कम हिंडर्ड है आपकी एल्कीन नंबर बी, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आपको चीजें निकालनी आनी चाहिए, ठीक है, चलो ये वाली बात हो गई, और देखिए और क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा वो आपको एल्केन दे देगा और कहेगा कितनी पॉसिबल एल्कीन्स हैं जिनसे आप ये एल्केन बना सकते हो, क्वेश्चन समझ गए, हाउ मैनी पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ एल्कीन्स आर देयर टू फॉर्म फॉलोइंग एल्कीन्स, जैसे पहला देखिए ये बनाना है आपको, दूसरा देखिए ये बनाना है आपको, तीसरा देखिए ये बनाना है आपको, चौथा
चौथा देखिए ये बना। चलिए एक मैं करके दिखाऊं, देखो इसमें केवल एक ही एल्कीन पॉसिबल है ये। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा सर ये भी तो ले सकते थे, ये दोनों बराबर ही है बेटा, तो आंसर आ गया वन। अगला सोचिए, अगले वाले में देखिए एक एल्कीन तो ये हो सकती है, बोलो। अब ये और ये बराबर है ना, ठीक, तो एक ये हो गई। एक ये भी तो ले सकते हो आप, इसमें H2 डालोगे वही बन जाएगा, है ना। और एक आप ये ले सकते हो, तो कितने आंसर हुए इसके, तीन। कितने आंसर हो गए, तीन। अगला देखिए, अगले वाले में आप एक तो ये ले सकते हो, सही है। जैसे ही आपने ये वाली एल्कीन बनाई बेटा, ये सेंटर हो गया आपका कायरल सेंटर, तो यहां पर दो प्रोडक्ट बने। फिर उसके बाद देखिए, जैसे ही आपने ये बनाई, ये एल्कीन शो करेगी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि देखो मैंने यहां पर पॉसिबल आइसोमर लिखे हैं, तो सारे आइसोमर बनाने पड़ेंगे। अगर वो लिखता पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर तो फिर मैं ज्योमेट्रिकल और स्टीरियो काउंट नहीं करता, लेकिन उसने ज्योमेट्रिकल, उसने पॉसिबल आइसोमर लिखा है, तो मैं सारे स्टीरियो आइसोमर चेक करूंगा, सही है। तो ये वाली एल्कीन करेगी ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो सिस और ट्रांस दो बनेंगे, तो टू यहां पर बने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े तो ये बन गया, यहां पर कोई आइसोमर पॉसिबल नहीं है, तो एक ही बना, ठीक है, बस इतना ही है। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि अब आप ये भी बना दो, तो बेटा ये और ये सेम हो गया, ये और ये सेम हो गया, तो कितने बने इसके, दो चार और एक पांच, पांच आइसोमर पॉसिबल हैं अगर आपको ये एल्केन बनाना है तो, क्लियर। चलिए अगला करिए, क्वेश्चन नंबर फोर। अब वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन नंबर फोर खुद करिए। चलिए आशा करते हैं आप लोगों ने करा होगा। पहली एल्कीन आप बनाओगे ये, दूसरी आप बना सकते हो ये, है ना, और रिंग के अंदर पाई बॉन्ड जीआई शो नहीं करता जब तक आठ मेंबर से कम की रिंग है, तो ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तीसरी बनाओगे आप ये, और जैसे ही आपने ये बनाई, ये क्या बन गया, कायरल सेंटर, तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट। चौथी आप बना सकते हो ये, लास्ट है ये, फिर से ये क्या बन गया, कायरल सेंटर, तो दो यहाँ पर बनेंगे, सही है। कितने हो गए देख लो, एक दो तीन चार पाँच छः, तो टोटल आइसोमर कितने हो गए, छः आइसोमर पॉसिबल है अगर आपको ये एल्कीन एल्केन बनाना है तो। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ना, हाइड्रोजनेशन पे इतनी वैरायटी नहीं देखी होगी अभी, कल की क्लास में भी हाइड्रोजनेशन ही पढ़ेंगे। चलिए लास्ट बात, और आज की क्लास खत्म, फिर आगे पढ़ेंगे इसी को, हाइड्रोजनेशन को पार्ट टू में। देखो CH4 कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाई दिस मेथड, CH4 cannot be prepared by this method. क्यों? क्योंकि आप ऐसा एल्कीन ही तो बना सकते हो जो एल्कीन से बने, और एल्कीन में पहला मेंबर कुछ होता ही नहीं है, मतलब एल्कीन एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कैसे बनाओगे, तो जब एक कार्बन से डबल बॉन्ड नहीं बना सकते, तो फिर उसको रिड्यूस करके एल्कीन में कैसे तब्दील करोगे। सबसे छोटा एल्कीन जो आप बना सकते हो क्या है, दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था, उसको आपने सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया। तो सबसे छोटा एल्केन जो आप बना सकते हो वो ईथेन बना सकते हो हाइड्रोजनेशन से, मीथेन आप कभी भी इस मेथड से प्रिपेयर नहीं कर सकते, क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, अभी हमारा खत्म नहीं हुआ हाइड्रोजनेशन, कल की क्लास पूरी लगेगी इसमें, और हाइड्रोजनेशन को हम डिटेल में पढ़कर पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, टाटा सी यू बाय बाय।